दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। इनका नाम है रेडी अन्ना। दोस्तों ये साल 2010 से बने हुए हैं। इनके पास 160 से भी ज्यादा गेम्स है और अगर दोस्तों बात करें 15 ज्यादा वेबसाइट है। इंडिया में 100 से ज्यादा इनके ब्रांचेस हैं और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉवल भी मिलता है। आप इनके कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको पेमेंट्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों जल्दी से जाकर जुड़िए रेडी अन्ना से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे दोस्तों हम बात करेंगे इस मैच के जीत के हीरो कौन कौन बने हैं और वहीं दोस्तों पंजाब किंग्स के लिए अगले मैच में क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और कप्तान मयंक अग्रवाल ने और दोस्तों वहीं पर अगर बात करें तो ओडन स्मिथ ने क्या कुछ कहा है मैच के बाद, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर जो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। तो दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच काफ़ी रोमांचक मैच हमें देखने को मिला, जहां पे मुंबई इंडियंस की टीम को पंजाब किंग्स ने यहां पे पटकनी दे दी है और दोस्तों पंजाब किंग्स ने इस मैच को 12 रनों से जीता है, जो कि काफ़ी अच्छी जीत मानी जा रही है पंजाब किंग्स के लिहाज से, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए जीत बहुत ज़रूरी थी टूर्नामेंट में अपने आप को बैक करने की। वहीं दोस्तों अगर बात करें मुंबई इंडियंस के लिहाज से तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस मैच को भी गंवा दिया और लगातार 5 हार उन्हें जो है इस टूर्नामेंट में अब तक मिली है। तो अब दोस्तों अगर इसी के साथ हम बात करें तो पंजाब किंग्स को यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल के लिहाज से। पंजाब किंग्स इस मैच को जीतते ही पहुंच गई है तीसरे स्थान पे, जहां पहले पंजाब किंग्स पड़ी हुई थी सातवें पायदान पे। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के लिए यहां पे बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। और दोस्तों पंजाब किंग्स जो अपने आगे आने वाले मैचों में पूरी तरीके से जीत के लिए अग्रसर रहना चाहेगी और हर मैच को जीत के साथ ही खत्म करना चाहेगी, ताकि अपने आप को टॉप 4 में फिनिश करे और दोस्तों उसके बाद आने वाले एलिमिनेटर और यहाँ तक फाइनल तक जाए और मुकाबला भी जीते। तब दोस्तों अगर बात करें इस मैच के रहे हीरो, तो पहले हीरो के रूप में आते हैं कप्तान मयंक अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इनकी तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, जहाँ पे पावर प्ले में शिखर धवन पे जरा सा भी प्रेशर नहीं आने दिया और पूरे तरीके से कैपिटलाइज़ किया अपने इनिंग्स को और वहाँ पे उन्होंने 52 रन जड़ दिए 32 गेंदों में, जहाँ पे 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। अगर दोस्तों बात करें मयंक अग्रवाल के इस इनिंग में, तो उनकी ये इनिंग काफ़ी सूझबूझ वाली पारी की तरह हमें देखने को मिली, जहाँ पर सारे फैंस को, पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी को और खुद मयंक अग्रवाल को ऐसी इनिंग्स की दरकार थी कि वो आकर के मैच में जो है हाफ सेंचुरी जड़े और पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने इस सीज़न में बतौर कप्तान पहला हाफ सेंचुरी जड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले मैचों में भी पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे कप्तान मयंक अग्रवाल। अब दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो शिखर धवन इस मैच के दूसरे बड़े हीरो के रूप में साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 70 रन जड़े थे। और दोस्तों अगर बात करें जिस तरीके से शिखर धवन ने अपनी इनिंग्स को और पंजाब किंग्स की पारी को संभाला, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। लेकिन दोस्तों बात करें बेरस्टो की, तो दूसरे मैच में भी आउट हो गए और कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाए अपने बल्लेबाजी से। तो कहीं ना कहीं भनुका राजपक्षा का जो रिप्लेसमेंट है वो पंजाब किंग्स को क्या बेरस्टो के रूप में भारी पड़ रहा है या नहीं, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भनुका जिस तरीके से शुरुआत देते थे पंजाब किंग्स को, आकर के 3 नंबर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, विपक्षी टीम को पहले ही ओवर से बाहर कर देते थे मैच से। क्या दोस्तों अगली मैच में अगर हम देखें तो भनुका राजपक्षा को मिलना चाहिए मौका बेस्टो की जगह या नहीं, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो कीपिंग जितेंद्र शर्मा ही कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स बेस्टो को खिला रही है और जो उनका 2 परफॉर्मेंस नहीं आया है 2 मैचों में, वो एक परेशानी का सबक बन सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें लियाम लिविंगस्टन का, इस मैच में काफ़ी कुछ कमाल हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि बुमराह ने उन्हें काफ़ी अच्छी गेंद पर बोल्ड मारा। लेकिन दोस्तों तीसरे जो बड़े हीरो रहे वो रहे जितेंद्र शर्मा, जिन्होंने 15 गेंदों में 30 रन जड़े, जहां पे पंजाब किंग्स की तरफ से उन्होंने जो मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट किया और पंजाब किंग्स का जो स्कोर है उसको लगभग 200 के पास पहुंचाया। वहीं दोस्तों अगर बात करें शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 2 गेंदों में उन्होंने फिर लगातार 2 छक्के मारे और काफ़ी अच्छे तरीके से वो हिटिंग की उन्होंने दिखा दिया कितनी पावर है उनके और क्यों पंजाब किंग्स उनमें इतना भरोसा जताती है। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स का जो प्लेइंग 11 है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो इस मैच से आप बाहर नहीं रखना चाहेंगे ओडन स्मिथ को। ओडन स्मिथ की दोस्तों अगर हम बात करें तो ओडन स्मिथ ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी तो नहीं की थी, लेकिन हालांकि आखिरी ओवर जैसे में
पंजाब की उसको उम्मीद थी कि ओडन स्मिथ कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएंगे, तो ओडन स्मिथ ने ऐसा ही कुछ किया है। अगर दोस्तों हम बात करें ओडन स्मिथ को, तो आखिरी ओवर आए थे गेंदबाजी करने के लिए, जहां पे उन्हें आखिरी ओवर में ही 3 विकेट मिल गए थे। और दोस्तों इस मैच में उन्होंने 3 ओवर किए जहां पे 30 रन दे करके उन्होंने जो है 4 विकेट झटके हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के लिए जो आखिरी ओवर थी वो कहीं ना कहीं उनको राहत मिली होगी, जिस तरीके से ओडन स्मिथ ने गेंदबाजी की और जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने इस मैच को अपने मुट्ठी में कर लिया। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो पिछले 2 मैच पंजाब किंग्स ओडन स्मिथ की गेंदबाजी के बदौलत ही हारी थी, जहां पे आखिरी ओवर में ढेर सारे रन वहां पे लुटाते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों ओडन स्मिथ के अगर हम देखें तो आखिरी ओवर के पहले गेंद पर जिस तरीके से गुनातकर ने छक्का लगा, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो फिर से मुंबई इंडियंस की तरफ शिफ्ट हो गई थी। लेकिन फिर अगर हम देखें तो ओडन स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई और उसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट झटक लिए। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को यहाँ पे ओडन स्मिथ का जो गेंदबाजी है काफ़ी अच्छा खासा जो है पसंद आया रहेगा। हालांकि बल्लेबाजी में उन्हें 1 गेंद खेलने का ही मौका मिला, तो उतना कमाल करके वो नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ओडन स्मिथ की गेंदबाजी आखिरी के ओवर में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहीं अगर बात करें पंजाब किंग्स के लिए, तो कप्तान मयंक अग्रवाल अगर ओडन स्मिथ का जो ओवर है अगर उसको मिडिल ओवर्स में ही निकाल ले, तो कहीं ना कहीं इनको आखिर के ओवर में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं रबाड़ा और अगर हम देखें तो अर्शदीप सिंह आखिरी के 4 ओवर अगर हम देखें साथ में वैभव अरोड़ा के साथ वो निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को यहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत है और ओडन स्मिथ पर भी आखिरी ओवर का जो प्रेशर है वो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी रहेगी ये रणनीति अगले मैच के लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जिस तरीके से पंजाब के जीत के हीरो रहेंगे आपको ये पसंद आए रहेंगे। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो और रिपोर्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।